ला छोटू दूसरा पत्ता। बाएं हाथ की उंगली, ये वाली जो उंगली है इसके नाखून का खेल है। तो लोमड़ी का हमेशा इतना ही ट्रैफिक इधर रहता है, वो गलत फायदा हम लोग उठाते हैं। दिस इज द फेवरेट पार्ट। पर अभी हम लोग जा रहे हैं होलसेल, हर जगह करप्शन है। सर आपको हैप्पी बर्थडे। आज भाई साहब का बर्थडे। ओके, इन्हें ब्रीफ बताते हैं कि आज बर्थडे बॉय का एग्जाम है और अभी फिलहाल उसको सेंटर पे ड्रॉप करने के बाद हम जा रहे हैं कपूरथला तक, कुछ सामान लेना है हमको। और एक चीज़ और, हो सकता है हेलमेट अपग्रेड करना है, तो हेलमेट भी हम आज ही ले लें। तो बस अभी हमें चर्च रोड से निकल के अभी आ चुके हैं हम। ये है कुर्सी रोड, तो बेसिकली कुर्सी रोड से हम पहुँचेंगे कपूरथला। अगर हेलमेट लेना होगा तो आगे कंटिन्यू करेंगे आईटी क्रॉसिंग से होते हुए फिर लालबाग के लिए। अभी जो मेरा फिलहाल पहला काम है वो ये है कि कपूरथला जाके बुक्स लेनी है, और अगर लालबाग जाएंगे, अरे भाई साहब, भाई 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 भाई, किसकी गलती बिल्कुल नहीं पता, लेकिन सेफ राइड करना चाहिए। भाई ने हेलमेट भी नहीं लगाया, बस इसीलिए बोलते हैं कि हेलमेट ज़रूरी है। अभी राइड कर रहे हैं हम यामा FG। टाइम था कि जब हमको इतना ज़्यादा पसंद थी ना, ये चीटिंग कर ली मैंने, ये न्यू वाली FG है, गजब। तो 12:00 से निकले 1:00, उसके बाद यहाँ आ गए थे 1:45 के आसपास, तो इधर आ गए। अरे ट्रैफिक मिला बीच में, ज़्यादा दूर नहीं लेकिन हाँ थोड़ा सा मिला। बेसिकली जो एंट्री थी वो 2:30 होने वाली थी। कल ब्रो का बर्थडे भी है, और बर्थडे पे मतलब एग्जाम जैसा सरप्राइज, वाओ। GoPro की जो वॉइस वाली प्रॉब्लम थी वो ये लास्ट वीडियो है जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, फेस कर रहे हो आप लोग। इसके बाद सारी जितनी भी वीडियो आएंगे ना एकदम मक्खन आएंगे। लेट्स गो। ये जो मेरे लेफ्ट साइड पे बिल्डिंग दिख रही है ये है विवेकानंद हॉस्पिटल, और जो सामने चौराहा आने वाला है ना वो है IT चौराहा। तो क्या किया ना, IT चौराहा ना जाके पहले से ही टर्न ले लिया, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा रश मिलेगा और अपने को रश चाहिए नहीं। अभी वो कट चुका है वो ट्रैफिक उतना। चलो आगे से राइट। कितना बजा हुआ है? 2:39। और भाई धुंध देखो, मतलब ऐसा लग रहा है कि या तो बिल्कुल बहुत सुबह का टाइम है या तो बिल्कुल मतलब शाम का टाइम है। एक होता है ना कि मनहूसी टाइप का मौसम, वैसा मौसम को लग रहा है। हाँ हालांकि जो फील होता है वो एकदम प्रॉपर परफेक्ट मक्खन होता है। वन 60 सेगमेंट में जो बाइक हमको अच्छी लगती है, एक ये होगी, एक अपाचे होगी, अभी एक पल्सर N160 आई थिंक आई हुई है वो। मतलब ये तीन बाइक फाड़ है भाई, मतलब इस सेगमेंट में 160 सेगमेंट में ज़बरदस्त। और FZ तो हमेशा से ही अच्छी लगती थी, जब वो पहले ग्रीन और ब्लैक कॉम्बिनेशन कलर वाली आती थी, भी थोड़ा सा हम ओवरटेक करते हैं। कहीं से भी देख के लग रहा है कि लखनऊ में संडे, इतना रश कि मतलब संडे को भी लगता है कि भाई मंडे है। अमीनाबाद सीधे इधर, हरदोई सीतापुर उधर जाना है, और राजभवन हजरतगंज इधर जाना है। तो देखो एकदम डिटेल रिव्यू नहीं करेंगे इस बाइक का, लेकिन जो पर्सनल रियल टाइम एक्सपीरियंस है मेरा चलाने वाला वो बताएंगे। हैंडलिंग, सीटिंग पोस्चर, एवरीथिंग इज़ वेरी कंफर्टेबल, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल। शायद से आप लोगों को पता चल ही गया होगा, लखनऊ वालों को तो पता ही चल गया होगा कि अभी हम हैं कहाँ पे। यहाँ से जो पुराने लखनऊ की झलक है ना वो देखने को मिलना शुरू हो जाती है। तो भारत खंडे संस्कृति विश्वविद्यालय है जो मेरे राइट साइड में, ये बिल्डिंग दिख रही है। दिस इज़ द फेवरेट पार्ट। धूप छन के आती है पेड़ों से, मस्त एकदम मक्खन। राजा रामपाल सिंह पार्क, लाठी गेट इस साइड पे, सामने जो आने वाला है वो है कैसरबाग चौराहा। एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे अनुराग को कॉल कर लेते हैं।
ये है हमारा पुराना लखनऊ। इधर मतलब गन्स की इतनी शॉप है, थोड़ी दूर आगे जब बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि चारों तरफ बस गन की ही शॉप है। फिलहाल अभी का प्लान बताते हैं, वो सामने जो पीली मस्जिद दिख रही है हमको, वहाँ पे वेट करना है अनुराग चूतिए का। मीनाबाद में एक फास्ट फूड कॉर्नर है जिसका नाम है पंडित जी चाट कॉर्नर। तो जो वो पंडित जी चाट कॉर्नर है ना, भाई साहब अनुराग के मामा जी हैं, जिसका बहुत गलत फ़ायदा हम लोग उठाते हैं। हम लोग जब भी लखनऊ आते हैं तो अनुराग को पकड़ के लेके जाते हैं और मुफ्त का वहाँ पे तोड़ते हैं। कल आए थे तो कल दिन में हम काफ़ी जल्दी आ गए थे, जिस वजह से मामा जी का नुकसान नहीं करा पाए। आज फिर से मौका मिल गया, आज नुकसान कराएंगे। मेरा चूतिया भाई आता दिखा। आज पंडित जी को रुलाना है भाई बेटो। चलो भैया, आज पंडित जी फंस गए फोफे में। तो सोच रहे हेलमेट ले ले चल के आज। हाँ पहले पेट पूजा कर लें उसके बाद हेलमेट ले लेंगे चल के। फिर लोमड़ी का हमेशा इतना ही ट्रैफिक इधर रहता है। ड्यू टू हैवी ट्रैफिक हम लोगों ने रास्ता ऐसा चेंज कर दिया, शॉर्टकट लेके जा रहे हैं अंदर से कहीं से गली से, अभी हमको तो नहीं पता। ये रास्ता कुछ सुनेला सुनेला लगता है ब्रो। पहले लोमड़ पप्पू इधर भी ट्रैफिक लगाएंगे। ये देख रहा है विनोद कैसे गलियों का फायदा उठाया जा रहा है। अभी किधर उधर दें पक्का, अभी आगे बंद है पूरा। ओ माँ गू, देखो उनको बाइक चलाने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि भाई ऐसी गली ना, बाएं हाथ की उंगली, ये वाली जो उंगली है इसके नाखून का खेल है। अभी किधर, व्हाट हैपेंड ब्रो? सीधे तुंगा खाली पंडित जी चाट कॉर्नर पर लेके चलो, भूख लग रही है, उधर जाएंगे। अरे तो हटावे तब तो चाचा लेके गई। वाओ माय गॉड, देख रहा है विनोद लखनऊ की गलियां कैसी कैसी हैं। ये हल्की हल्की खुशबू आने लगी है पंडित जी की जो टिक्कियां है ना उनकी, हल्की हल्की महक आई ब्रो। और फिर दिख गया ब्रो। पैसे तो लेंगे नहीं मामा, पैसे तो लेंगे नहीं मामा जी, खाली बाद में तुमसे जीपे कराएंगे। अभी जीपे का मतलब जिनको समझ में नहीं आया ना तो तुम लोग पोगो देखो। सामने जो दिख रही ना भीड़ भाड़ वाली छोटी छोटी दुकान, ये शॉप छोटी सी है लेकिन इस पे टेस्ट बहुत बड़ा मिलता है। छोटू एक टिक्की और वो दही चटनी वाले बताशे। अरे ब्रो मैं कुछ भी खा लेगा। ब्रो अभी खा पी लेते हैं उसके बाद मिलते हैं, ठीक है? वो सामने मामा जी अपने हाथों से ना ऐसा टेस्टी टेस्टी सा चाट बना रहे हैं। ला रे छोटू ला, देख रहा है विनोद पंडित जी की चाट। माय गॉड, चाट नहीं बताते। अरे बता से मतलब से देने पैसे, पैसे हम लोग दे रहा। देख लो उधर से पैसे दे के खा रहे, इधर हम फ्री में खा रहे हैं, मतलब हर जगह करप्शन है। देखो दो पंडित जी चाट कॉर्नर है, एक ये है नाका इंडोला वाला, एक है अमीनाबाद वाला। ला छोटू दूसरा पत्ता। तो अभी आई है हमारी प्यारी प्यारी टिक्की। कितने पैसे? टिक्की। तुम भाई आज इतना पहले जियो घर पर, इतना पहले जियो। कोई बात नहीं, बहुत बड़ा दिल है भाई का। मामा का किडनैप कर लो। तो अभी इधर हमारा खाना पीना हो गया है भाई, निकलते हैं और अभी जाएंगे सीधा और लालबाग, वहाँ से हेलमेट उठाएंगे अगर अच्छा लगा तो। चलो ये है लालबाग, इतनी सारी बाइक देख के लगा ही होगा कि लालबाग में है। और अभी हम लोग जा रहे हैं होलसेल बेसमेंट, हेलमेट ही हेलमेट, तो देखते हैं कौन सा हेलमेट लेते हैं। अभी तो आज संडे, पता नहीं खुली है या बंद है। अभी लालबाग पे ही थे लेकिन वो हेलमेट वाली शॉप पे जो हमको हेलमेट चाहिए था, जो मॉडल चाहिए था, वो चाहिए था वेगा बोल्ट। और बोल्ट था लेकिन उस पर ना ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा थे, और हमको चाहिए था ऐसा ग्लॉसी ब्लैक या फिर मैट ब्लैक भी चलता है। स्टड्स में अवेलेबल था हेलमेट, बट इंस्टेंट उतनी ही टाइम पे हमने पहन के चेक किया तो वेगा का कंफर्ट ज़्यादा बेटर आया, तो वही वेगा बोल चाहिए था बट वो मिला नहीं, तो फिर हमने कैंसिल कर दिया कि आज नहीं लेंगे, आपके पास जब भी स्टॉक में आ जाएगा, एक दिन दो दिन तीन दिन जब भी हम इधर निकलेंगे तब ले लेंगे। तो बोला ठीक है। स्टड्स का जो था वो सही था लेकिन उसको पहनने के बाद जो कम्फर्ट फील होना चाहिए ना वो वेगा में आ रहा था। चीज को ध्यान में रख के ना फिर कैंसिल कर दिया कि आज नहीं लेते। हालांकि स्टड्स वाला बेटर था, स्टड्स में बोल रहे हैं कि ग्लास की कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वेगा में जो जो उसका वाइजर है वो निकल जाता है, तो ये प्रॉब्लम उनने बताई।
तो देखते हैं अभी थोड़ा सा रिसर्च और करेंगे, अगर सही लगेगा तो नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो स्टड्स का ही उठा लेंगे। खाना पीना एकदम चकाचक, पेट मेरा पूरा भरा हुआ है क्योंकि हमने मामा जी के यहाँ पे पता नहीं क्या क्या खाया, कैमरा ऑन नहीं था तब भी हमने बहुत कुछ खाया। बिरयानी का ऑफर आया वेज बिरयानी का, लेकिन फिर खा नहीं पाए। हाँ, हमने कहा मामा पैक करा के ले जा सकते हैं, ट्रैक ने मना कर दिया, मजाक था ये। और अभी टाइम हुआ है 4:04, मेरे पास हैं 26 मिनट मनीष के पास तक पहुँचने के, क्योंकि 4:30 बजे पेपर उसका छूटेगा। कर लो अंकल ओवरटेक। रोड है कपूरथला रोड, इधर मार्केट इधर मार्केट, और लखनऊ मार्केट के लिए वैसे जाना भी जाता है, मतलब हर चीज़ अवेलेबल है लखनऊ में। जो नए लखनऊ में नहीं अवेलेबल है वो पुराने में अवेलेबल है, जो पुराने में नहीं अवेलेबल है वो नए में अवेलेबल है, लेकिन अवेलेबल है। कपूरथला ना कोचिंग का ऐसा हब है, मतलब दुनिया भर की कोचिंग्स ना इधर ही मिलेंगी। शनिवार और मंगलवार इस रोड पर निकलना दूभर रहता है। इतनी सी फ्लाई बची, इतनी सी, ऑलमोस्ट 1 या 2 किलोमीटर बाद अपना जो भी होएगा, जहां से हमको कट लेना है अंदर सेंट्रल एकेडमी के लिए, वो मिल जाएगा। यही कट है वो चर्च रोड, तो ये चर्च रोड लेके फिर हम सीधे पहुंचेंगे सेंट्रल एकेडमी, जो भी आते निकल जाने देते हैं। दुर्घटना से देर भली, भैया के पास ना हेलमेट है ना कुछ है, ना इंडिकेटर है, पता नहीं है कि नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया कि इंडिकेटर था या नहीं था। मतलब ये बाइक राइड करके हमको तो एकदम फन टू राइड लगी, ये बाइक चलाना एकदम मस्त बिंदास मक्खन मज़ा आ गया। आपका सपोर्ट हमारा विस्फोट। अभी ये ब्लॉग ये पे खत्म करते हैं, अगर कि ब्लॉग देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो चैनल डे श्री, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून फॉर मोर न्यू ब्लॉग। और तब तक के लिए बाय बाय। भागवत महापुराण कथा चल रही है, जय हो भगवान जी।